और बहुत नजदीक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक दो अंकों का दायरा रह गया था जब निफ्टी नया हाई बना था, लेकिन उसके बावजूद वो स्तर हमसे मिस हो गए। अब क्या उम्मीद करें सर, काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और जैसे बाजार ऊपर जाता है तुरंत हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने देखा लास्ट वीक 18,886 का हाई बनाया निफ्टी ने, मात्र 1 रुपए से हमारा जो हाई था वो मिस हुआ। बट कहीं ना कहीं हम देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। मगर हम अगर अभी भी देखें तो ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जहां 18,800 के आसपास थे वहां से महज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 150 रुपए की एक तरीके से गिरावट देखने को मिले, 150 पॉइंट की, जो कि एक बड़ी गिरावट नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आता है और ऐसे माहौल में जहां पर आपके पास एक जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा कंसर्न जो पुतिन की तरफ से देखने को मिला वो स्टैंड अप हो, दूसरी तरफ यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो सामने स्टैंड अप हो, वहीं अगर आप देखें तो क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए दिख रहे हैं, चाइना में जहां पर इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हुई हो, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे मेजर फैक्टर है वो जनरली हम देखते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है, बिल्कुल मार्केट रेजिस्टेंस पे होती है, तो काफी ज्यादा एक रोल प्ले मार्केट करती है। तो वही है कि हमें हमने ट्रेंड आते हुए देखा कि हायर लेवल पर तुरंत एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई, तो महज मैं इसको एक प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक में डेटा देखे, लास्ट वीक में हमने चाइना का डेटा देखा, हमने लास्ट वीक में बिजनेस सेंटिमेंट यूएस का वीक डेटा आता हुआ देखा, हमने हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सारे पॉजिटिव थे, एफआई का जो इनफ्लो है वो काफी अच्छा रहा, जो अगर आप बात करें इन्फ्लेशन की, सीपीआई नंबर इंडिया के काफी पॉजिटिव रहे, इंडिया का जो मुद्रा भंडार है वो भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, रुपी अपने 5 हफ्ते के हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, मॉनसून की जो गति है वो हालांकि एक अच्छे पेस से चलती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से सारे डेटा पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं जो इंडियन मार्केट को हिट कर रहा है वो इंटरनेशनल क्यूज है, जो कि एक जियो पॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट में है। तो मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट लिविड रहेगा, इसमें कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं दिख रही है मेरे को कि ज्यादा कुछ आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, छोटी मोटी गिरावट मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, अगर आप पिछले 2 या 3 महीनों में देखेंगे तो ऐसे 150-200 पॉइंट की गिरावट हमेशा रही है और उसके बाद तुरंत रिकवरी भी हमने देखी है। तो ये महज एक ट्रेंड है कि मार्केट जब हाई के आसपास आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर मार्केट नया हाई बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो गिरावट आ रही है ये एक पॉइंट है कि एक ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पर अगेन आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, और मेरा ये मानना है कि जल्दी ही आपको मार्केट के अंदर रिवाइवल भी आता हुआ दिखाई देगा।